अरे मतलब कम से कम देख तो लो कि जमीन कहाँ खत्म हो रही है। ये डोरेमोन का वो गैजेट है जो कि वही एनीवेयर डोर वाला जो आपको कहीं भी ले जा सकता है। अब इसे मैग्नेटिक सैंड कहते हैं जो बिल्कुल मैग्नेट की तरह ही काम करती है। बस फर्क इतना सा है कि मैग्नेट सॉलिड होता है और ये सैंड की तरह ही होती है। ये स्टारफिश है और ये जो आप देख रहे हैं इसके हाथ हैं या पैर हैं कुछ भी समझ नहीं। अब जब जब ये बाप अपने बेटे को हवा में इस तरीके से उछालता है तब तब इस डॉगी का भी वही करने को मन करता है। अब इसे कहते हैं एकदम परफेक्ट पिलो। ये लोग किस तरीके से बर्फ की सीढ़ियां बनाते जा रहे हैं। इस होटल में एक भी वेटर काम नहीं करते क्योंकि वेटर का सारा काम रोबोट्स करते हैं। इन भाई साहब की तलवारबाजी देख के आंखें दंग हो जाती। अगर आपके बगल में बैठा हुआ डॉगी कुछ ऐसा रिएक्शन दे तो अब इस पुलिस ने गाड़ी वाले को रोका लेकिन गाड़ी वाला रुका नहीं। और जब रुका तो पता लगा इस गाड़ी में 55,67,220 लोग बैठे हुए हैं। अब इस फोटो को देखकर आपको लग रहा होगा कि एकदम नॉर्मल फोटो है लोगों, लेकिन यही तो बात, ये फोटो नहीं है, कारपेट पे बुनाई करी गई है जो कि इतनी डिटेल्ड है कि आपकी आंखों को पता नहीं चल रहा। अब इस इंसान ने इस ग्लोब पे अपने आसपास का 360 डिग्री व्यू चिपका दिया जो कि देखने में अपने आप में बहुत अच्छा तो लग ही रहा है, साथ में बहुत ही ज्यादा अलग भी लग रहा है। अगर आपको पता ना चल पाया हो तो मैं बता दूं ये नॉर्मल केक ही है जिसे हम खा सकते। इस पे कलाकारी ही इतनी अच्छी की गई है कि हमें लगता है ये पेंटिंग कोई खाने वाली चीज नहीं। क्या बताएं, इंसान आजकल इतने बदतमीज हो गए हैं कि
कि किसी के भी नहाते हुए की वीडियो इंटरनेट पर डाल देते। अब मतलब इतनी सी भी शर्म नहीं आती है कि मतलब चैन से नहाने तो दो भाई। अब ये फोटो बहुत कमाल। इस फोटो में ये जो लंबे से इंसान है, ये दुनिया के सबसे लंबे इंसान है, जिनका नाम है सुल्तान कोसेन, जो कि टर्की के रहने वाले। और जो ये लेडी दिख रही है, ये वर्ल्ड्स स्मॉलेस्ट वुमेन है, दुनिया की सबसे छोटी लेडी है, जो कि जिनका नाम है ज्योति आमगे, जो कि इंडियन है। अब जो लोग कम आलसी हैं, वो इस वीडियो को पॉज करके ये पूरा नोट पढ़ो, बहुत ही ज्यादा हंसी वाली है, आपको मजा आ जाएगा। और जो मेरी तरह कुछ ज़्यादा ही आलसी है, उनके लिए मैं सारी स्टोरी बता दूं। तो जेसन चार्ट नाम का एक आदमी 78 यानी 78 साल के एक बूढ़े आदमी से गोल्फ खेलते हुए मिलता है, जो उसे पूरा टाइम जिंदगी जीने के तरीकों की गाथा सुनाता रहता है। तो जेसन ये कहता है कि उसने ऐसा आदमी अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा जिसे घंटा फर्क नहीं पड़ता दुनियादारी से। तो वो बूढ़ा आदमी इसे जाते जाते कहता है कि मुझे पार्किंग में मत मिलना, क्योंकि मेरी बीवी मुझे लेने आने वाली है, जिसे लगता है कि मैं पिछले 5 साल से बह रहा हूँ। सही में भाई, इससे महान इंसान तो मैंने भी आज तक नहीं देखा। और ले 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 ले, पापा को किस चाहिए, पापा को किस दो। ये हुई ना बात। अब ये बहुत कमाल की वजह है, अगर हम यहाँ देखते हैं तो यहाँ डॉट दिखाई देता है, वहाँ नहीं, और अगर वहाँ देखते हैं तो वहाँ डॉट दिखाई देता है, यहाँ। अरे वाह, तो महफिल सजा देंगे। अरे क्या किया। ओए ओए ओ, तेरी इधर इधर इधर, बड़ी देर से बकवास कर रहा हूं, इधर गेम चल रहा है। हाँ अब इसे कहते हैं कुदरत। एक तरफ है रेतीला रेगिस्तान और दूसरी तरफ है इतना विशाल समुद्र। यार मतलब अब क्या बोल, लोगों ने कॉफी में भी 8 बना दिया, हम उससे सीधी लाइन नहीं ड्रॉ होती है। तो इससे पहले तुम्हारा दिमाग गलत जगह जाए, मैं बता दूं कि जब भी हम इंजेक्शन स्किन में लगाते हैं तो स्किन में कुछ इस तरीके का ही होल बन जाता है, ये वही दिखा रहा है। और एक फैक्ट की बात बताऊं, ये जो आप ऊपर देख रहे हैं रशिया है और उसकी पॉपुलेशन, और ये जो आप नीचे देख रहे हैं ये बांग्लादेश है और उसकी पॉपुलेशन। रशिया इतना बड़ा होने के बावजूद भी और बांग्लादेश इतना छोटा होने के बावजूद भी बांग्लादेश की ज्यादा आबादी। तो यार इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, नहीं अच्छी लगी तो आपको पता क्या करना है, कमेंट से मुझे बताओ कि इस वीडियो में आपको क्या अच्छा या बुरा लगा, जो कि मैं अगली बार इंप्रूव कर सकूं। तब तक के लिए मिलते हैं यार अगली वीडियो।